बीते दिन गुजरात में 59वें ह्यूंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड जगत की तमाम हस्तियों ने शिरकत ली। फिल्म फेयर अवार्ड्स के दौरान आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला, तो वहीं अपनी मूवी एनिमल के हिट होने के चलते रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के फैंस को ये बात रास नहीं आई। इसी बीच सोशल मीडिया एक्स पर रणवीर कपूर के सपोर्टर्स और शाहरुख खान के फैंस के बीच बातों में जंग छिड़ गई। शाहरुख को बेस्ट एक्टर का अवार्ड न मिलने पर उनके फैंस काफी निराश हैं। इस बात को लेकर उन्होंने अपना गुस्सा फिल्म फेयर अवार्ड्स पर भी उतारा। बता दें, इस साल शाहरुख खान ने बॉलीवुड को एक साथ 3 हिट मूवीज दी हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। वहीं ये साल रणवीर कपूर के लिए भी काफी खास रहा। रणवीर कपूर ने भी मूवी एनिमल के साथ बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया है। दर्शकों को भी इसमें उनकी एक्टिंग खूब पसंद आई। इसके चलते रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। रणवीर के फैंस उनके लिए खूब खुश हैं। हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। वहीं इसी बात पर शाहरुख के फैंस काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान के फैंस का मानना है कि फिल्म जवान और पठान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किंग खान को दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होने पर शाहरुख खान के फैंस काफी उदास हैं और ट्विटर पर इसको लेकर रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान ने लंबे समय के बाद साल 2023 में 3 मूवीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर वापसी की थी। 2023 की शुरुआत में रोमांस के बादशाह की फिल्म पठान आई थी, जिसमें किंग खान का एक्शन अवतार देखने को मिला। शाहरुख खान की इस मूवी को दर्शकों द्वारा खूब प्यार मिला। इसके बाद शाहरुख खान फिल्म जवान के साथ बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ धमाल करते हुए नजर आए। साल के अंत में किंग खान ने फिल्म डंकी से बॉक्स ऑफिस पर धमाल बचाया। इसी को लेकर शाहरुख के फैंस का गुस्सा फूटा, जिसके चलते कोई ये कहता दिखा कि अगर शाहरुख बेस्ट एक्टर अवार्ड डिजर्व नहीं करते तो कोई भी इस अवार्ड का हकदार नहीं है। तो वहीं कोई ये कहता दिखा कि शाहरुख खान फिल्म फेयर जैसे चिंदी अवार्ड से ज्यादा बड़ा नाम है। तो वहीं किसी का ये कहना है कि दुनिया भर में अपनी ऑडियंस से इतना प्यार पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये सबसे बड़ा अवार्ड है। तो अब बेस्ट एक्टर अवार्ड को लेकर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से इस अवार्ड का ज्यादा डिजर्विंग कौन है, शाहरुख खान या रणवीर कपूर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।